चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। ये एक तरह से हमें यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, ऑब्जर्वेशन नंबर वन आपका हो गया कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रल फॉर्म में अपीयर करना पड़ेगा, मतलब उस स्टेट में ले जाना पड़ेगा जहाँ से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिखे, है ना। तो देखिए थोड़ा सा हम इसे मैनेज करके लिखते हैं, और ये सारी चालाकी आप समय के साथ धीरे धीरे जितने क्वेश्चन आप करते रहोगे उसे सीखते चले जाओगे, है ना। कोई चीज़ जल्दी से आने वाली है नहीं, आपको पेशेंस की ज़रूरत है इंटीग्रेशन सीखने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ आपका हो गया 1/x, जो ये 1/x लिखा हुआ है इसको हम यही 1/x लिख दें, है ना। तो अब आपको नज़र आना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, 1 + log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और log x का क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब 1 + log x का जो डेरिवेटिव होगा 1/x हो जाएगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मतलब ये अगर आपका f(x) है तो ये आपका क्या पड़ा हुआ है, f'x पड़ा हुआ है, और f'x/f(x) dx ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है, इसे क्या कहते हैं, log(mod f(x). तो क्या लिख देंगे इसका आंसर सीधे, log(mod 1 + log x) प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका क्या हो गया, सी हो गया, दैट इज योर फाइनल आंसर।